dear students a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics in today's lecture we will discuss upon the numericals on median the question is calculate the median from the following data the data is given you weights in grams and number of apples weight 410 to 419 420 to 429 then 430 to 439 then 440 to 449

क्लास इंटरवल और इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ा है कि इसमें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए यह रूल क्या है यह रूल है कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो कितने का है फोर टेन से लेकर फोर नाइनटीन यानी कि नाइन का डिफरेंस है यहाँ पर ठीक है या फिर हम देखें तो अगला क्लास नंबर क्या है फोर नाइनटीन से फोर ट्वेंटी तो ये एक का गैप आ रहा है इस वन के गैप को मैं टू से डिवाइड कर दूंगा ठीक है दैट इज इस को लोअर लिमिट में से मुझे माइनस करना है और अपर लिमिट में से इसे प्लस करना है और इस तरह से जो जो क्लास क्लास इंटरवल इंटरवल है ये में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो हमें केवल केवल इंक्लूजिव सीरीज को एक्सक्लूजिव सीरीज में कन्वर्ट करते हुए मीडियन को फाइंड आउट करना है तो पहले पहले हम बात करते हैं फोर वन जीरो से फोर वन नाइन तो पॉइंट फाइव माइनस करोगे तो ये जाएगा फोर जीरो नाइन पॉइंट फाइव से फोर वन नाइन पॉइंट फाइव ठीक है दूसरी क्लास की जाएगी फोर वन नाइन पॉइंट फाइव से फोर टू नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगी तीसरी क्लास में फोर टू नाइन पॉइंट फाइव से फोर थ्री नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी आपके पास फोर थ्री नाइन पॉइंट फाइव से फोर फोर नाइन पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्लास हो जाएगी फोर फोर नाइन पॉइंट फाइव से फोर फाइव नाइन पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्लास हो जाएगी फोर फाइव नाइन पॉइंट फाइव से फोर सिक्स नाइन पॉइंट फाइव और लास्ट क्लास हो जाएगी आपकी फोर सिक्स नाइन पॉइंट फाइव से दैट विल बी फोर सेवन नाइन पॉइंट फाइव तो मीडियम के लिए आपको इंक्लूजिव सीरीज को एक्सक्लूजिव में कन्वर्ट करना ही होगा और इस तरीके से हम इस इंक्लूजिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूजिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं अब इनकी फ्रिक्वेंसीज नोट कर देते हैं जो जो दे रखें आपको दैट इज गिवन यू फोर्टीन देन ट्वेंटी देन फोर्टी टू देन फिफ्टी फोर देन फोर्टी फाइव देन एटीन एंड लास्ट इज गिवन यू सेवन ठीक है अब इनकी हम क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले तो फोर्टीन रहेगी फोर्टीन प्लस ट्वेंटी दैट इज थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस फोर्टी टू चार दो छः और चार तीन सात सेवेंटी सिक्स हो सेवेंटी सिक्स प्लस फिफ्टी फोर एड करोगे तो चार दस और पाँच बारह और एक तेरह एक सौ तो तीस हो ठीक है एक सौ तीस में फिर पैंतालीस एड करोगे फोर्टी फाइव तो यह है आपका वन सेवन फाइव वन सेवेंटी फाइव में आप एटीन प्लस करोगे और पाँच तेरह सात और एक आठ और एक नौ एक वन नाइन्टी थ्री थ्री में आप सेवन एड करोगे देन इट विल बिकम टू हंड्रेड यानी कि जो टोटल आएगा इसका समेशन एफ इज इक्वल इक्वल टू टू एन दिस विल बी क्लियर हो गया तो यहां मुझे फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो चुकी है इस सीरीज के रेफरेंस में अब मुझे निकालनी है इसमें मीडियन क्लास और मीडियन क्लास का फॉर्मुला क्या होता है मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन टूएथ और एन का मतलब टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड अपन टू करोगे इसे लिखूंगा मैं साइज ऑफ टू हंड्रेड टू टूए आइटम यानी के साइज ऑफ हंड्रेड साइज ऑफ हंड्रेड आइटम तो इस हंड्रेड आइटम के साइज को हम सर्च करेंगे सीएफ में ठीक है सीएफ में सर्च करते हैं तो जो सौ के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा वो हमारी वैल्यू सेलेक्ट होगी फोर्टीन थर्टी फोर सेवेंटी सिक्स वन थर्टी यस दिस इज द केस वन थर्टी और इस वन थर्टी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज फोर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फोर फोर नाइन पॉइंट फाइव तो दिस विल बी द मीडियम क्लास तो मीडियम क्लास कितनी आगे आपके पास फोर थ्री नाइन पॉइंट फाइव टू फोर फोर नाइन पॉइंट फाइव आगे मीडियन क्लास अब इस मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी लोअर लिमिट एन इज गिवेन यू फोर थर्टी पॉइंट फाइव क्लियर और इसके साथिंग साथ इसके जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की वो है फिफ्टी फोर इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सी एफ की वैल्यू निकालनी है यानी कि इस क्लास से पहली वाली क्लास की सी एफ दैट इज गिवन यू सेवनटी सिक्स ओके इसके साथ साथ यहाँ आपको आई क्लास इंटरवल दैट इज ऑफ टेन पहले नाइन का था लेकिन जब आपने इंक्लूजिव को एक्सक्लूजिव में कन्वर्ट करा तो ये क्लास इंटरवल अब टेन का हो गया ठीक है अब ये सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, है। अब मुझे क्या करना है इसमें मीडियन के रिगार्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन इजिकल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई एल का मतलब हो गया यहां पर फोर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस एन अपन टू एन का मतलब टू हंड्रेड है और अपन टू करोगे तो हंड्रेड आएगा माइनस सी एफ का मतलब सेवेंटी सिक्स एफ की वैल्यू है आपके पास फिफ्टी फोर इंटू आई आई इज टेन ठीक है अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ प्रॉपरली सॉल्व करके मीडियम की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फोर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस हंड्रेड माइनस सेवेंटी सिक्स दैट विल बी ट्वेंटी फोर अपॉन फिफ्टी फोर इन टेन ठीक है टू से कैंसिल जाएगा ये ये तीन से कैंसिल जाएगा तो आएगा फोर्टी अपॉन नाइन तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास फोर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस फोर्टी अपॉन नाइन ठीक है अब फोर्टी अपॉन नाइन की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो यह आएगा आपके पास फोर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस डिवाइड कर दीजिए नौ सौ छत्तीस नौ सौ छत्तीस और चार चालीस पॉइंट नौ सौ छत्तीस ये फोर पॉइंट फोर फोर आ जाएगा और जब इसमें आप फोर पॉइंट फोर फोर को ऐड करेंगे तो यह आएगा चार पाँच चार नौ नौ तेरे, तेरे चार तेरह तेरह चार फोर फोर थ्री पॉइंट नाइन फोर तो दिस इज द मीडियन ऑफ द गिवन कॉन्टीन्यूस सीरीज ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन मीडियन फ्राम द फॉलोंग डेटा कैलकुलेट मीडियन तो यहाँ पर आपको सीरीज़ दे रखी है मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स दे रखे हैं लेस देन फाइव लेस देन टेन लेस देन फिफ्टीन लेस देन ट्वेंटी लेस देन ट्वेंटी फाइव लेस देन थर्टी अप टू डेस्ट लेस देन फोर्टी फाइव या मैंने एल टी से रिप्रेजेंट करा है एल टी का मतलब लेस देन ठीक है और फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखें तो यहाँ पर आपको सीरीज, मतलब तो सीरीज डायरेक्टली ना दे के इनडायरेक्टली लेस देन की फॉर्म में दे रखी है तो इसका मतलब लेस देन फाइव ट्वेंटी नाइन लेस देन टेन टू टू फोर ये एक तरीके से आपको क्यूबुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो इसको तो मैं लिखूंगा क्यूबुलेटिव फ्रिक्वेंसी की साइड में ट्वेंटी नाइन टू टू फोर फोर सिक्स फाइव फाइव एटी टू सिक्स थर्टी फोर सिक्स फोर फोर सिक्स फाइव जीरो सिक्स फाइव थ्री सिक्स फाइव फाइव ये देखो आपको सी एफ दे रखिए दैट इज डेफिनेट अब लेस देन फाइव है लेस देन टेन है तो डिफरेंस कितने का फाइव का डिफरेंस है यानी कि ये हो गया क्लास इंटरवल अब अगर लेस देन फाइव है तो इसको हम काउंट करेंगे जीरो टू फाइव तो क्लास क्या बन गई ये क्लास हो गई जीरो टू फाइव अब लेस देन टेन, टेन है तो हमें क्लास क्या बनानी पड़ेगी अब यहाँ पर लेस देन फाइव और लेस देन टेन के बीच में क्लास क्या बनेगी फाइव टू टेन ऐसे ही टेन और फिफ्टीन के बीच में क्लास बनेगी टेन टू फिफ्टीन अगली क्लास क्या बनेगी फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्लियर हो रहा है अगली क्लास क्या बनेगी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्लास ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी फाइव नेक्स्ट क्लास विलस्ट क्लास विल बी फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्लियर हो गया अब निकालनी रहेगी फ्रिक्वेंसी हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो दे रखी है आपको लेस देन फाइव का मतलब ट्वेंटी नाइन है ना तो पाँच से कम होगा ट्वेंटी नाइन पाँच और दस से कम होगा टू ट्वेंटी फोर तो पाँच से कम होगा ट्वेंटी नाइन तो जीरो टू फाइव में तो आपका ट्वेंटी नाइन आ ही जाएगा यही फ्रीक्वेंसी आएगी अब पाँच दस से कम है टू ट्वेंटी फोर और पाँच से कम है ट्वेंटी नाइन तो पाँच और दस के बीच में कितने जाएंगे टू ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी नाइन को माइनस कर दूंगा मैं और टू ट्वेंटी फोर में से जब आप ट्वेंटी नाइन को माइनस करोगे तो पाँच ग्यारह में जोड़ नौ वन नाइन्टी फाइव हो जाएगा ये क्लियर हो रहा है ठीक है ऐसे ही अगर मुझे टेन टू फिफ्टी निकालना है तो टेन तक का टू ट्वेंटी फोर फिफ्टीन तक का फोर सिक्सटी फाइव तो फोर सिक्सटी फाइव में से टू टू फोर को माइनस कर देंगे तो टेन टू फिफ्टी आएगा यानी कि नेक्स्ट वाले में से करंट की सी एफ को माइनस करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर तो 465 में से आप 224 को माइनस कर दीजिए चार गया एक छः में से दो गया दो छः में दो गया चार और चार में से दो गया दो टू फोर्टी वन आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी ठीक है ऐसे ही फाइव एटी टू में से इसको माइनस करिए फोर एटी फाइव को बारह से पाँच गया सात सात में छः गया एक और पाँच में चार गया एक वन वन सेवन आ गए अब इसको माइनस करिए सिक्स थर्टी फोर में से फाइव एटी टू को फोर माइनस टू टू थर्टी माइनस एट फाइव बस फिफ्टी टू आ जाएगी उसको माइनस करिए फोर माइनस फोर जीरो फोर माइनस थ्री वन इसकी फ्रिक्वेंसी टेन आ जाएगी सिक्स फिफ्टी माइनस सिक्स टू फोर्टी फोर तो ये बचाएगा छः सीधे सीधे तिरपन में से पचास तीन बचाएगा केवल केवल और पचपन में से तिरपन ये दो बचाएगा क्लियर हो गया है? तो इस तरह से मेरे पास यहाँ फ्रिक्वेंसीज भी कैलकुलेट हो चुकी हैं अब इसका जो टोटल होगा एफ इजिकल टू एन ये ऑटोमेटिकली सिक्स फिफ्टी फाइव के इक्वल आएगा तो सी एफ में जो लास्ट वैल्यू होती है वो समेशन एफ यानी कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करती है चलिए यहाँ तो बात क्लियर होगी हमारे ठीक है अब हम निकालेंगे यहां पर क्या मीडियन क्लास मीडियम क्लास क्या हमला इसका साइज ऑफ एन अपॉन टन अपन ट्वेल्थ का मतलब सिक्स फिफ्टी फाइव अपॉन ट आएगा साइज ऑफ डिवाइड कर दीजिए इसको है ना कितना आएगा दो तीन छः दो तीन चार और एक पाँच दो से चौदह दो पंच दस थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव और थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव ये कहाँ लाई कर रहा है देखिए यहाँ पर ट्वेंटी नाइन टू टू फोर फोर सिक्स फाइव फोर सिक्स फाइव में इसका अंदर जो मीडियम क्लास होगी वो कितनी होगी टेन टू फिफ्टीन तो यहाँ पर जो आपकी मीडियम क्लास आ गई दैट विल बी टेन टू फिफ्टीन क्लियर अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज को नोट कर लेते हैं तो एल कितना जाएगा इक्वल टू टेन इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको टू फोर्टी वन ठीक है सी एफ इक्वल टू 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 फोर क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास की सी एफ काउंट करेंगे तो ये सी एफ इसकी है इससे प्रीवियस क्लास की टू टू फोर और आई इजकल टू दे रखा है आपको फाइव एन इक्वल टू सिक्स फाइफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव है ही आपके पास आप फॉर्मला अप्लाई कर दीजिए बस इसके अंदर और कॉन्टीन्यूस सीरीज के केस में जो फॉर्मूला है आपके पास दैट इज मीडियम एम ई इजिकल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपन एफ इन आई एल का मतलब है टेन प्लस एन अपॉन टू मतलब सिक्सटी फाइव सिक्स फिफ्टी फाइव अपॉन टू इसकी वैल्यू आपने निकाली है थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस सी एफ आपने निकाला है टू टू फोर एफ की वैल्यू दे रखी है आपको टू फोर्टी वन इंटू आई की वैल्यू है के पास फाइव ठीक है अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसको है ना वैल्यू विल बी टेन प्लस माइनस करेंगे इसको ना पॉइंट फाइव सात में चार जीरो वन जीरो थ्री पॉइंट फाइव अपॉन टू फोर्टी वन इन टू फाइव तो ये आएगा टेन प्लस क्या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू फोर पॉइंट टू नाइन आपको वैल्यू फोर पॉइंट टू नाइन के इक्वल मिलेगी और इस तरह से जो आपका मीडियन है वो आएगा फोर्टीन पॉइंट टू नाइन सो दिस इज द मीडियन ऑफ द गिविन Continuous series. Okay. Thank you.